दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे मेहमान एक हेमंत कुमार पटेल, गुजरात से। गुजरात से कहाँ से हैं भाई आप? पहले पहली बात तो पटेल साहब, अहमदाबाद से सर। अहमदाबाद से। आज मैंने खबर पढ़ी है कि वहाँ पर कोई वो सी प्लेन सर्विस शुरू हो रही है हाँ स्टैच्यू ऑफ सर, यूनिटी से, कहीं अहमदाबाद से जाएगी वो। उसके हाँ बारे सर, में हाँ आपने देखा पढ़ा कुछ? आज ही का एक स्पाइस जेट का स्काई एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने आज। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, अच्छी बात है। हेमंत, क्या क्या करते हैं, क्या जॉब क्या करते हैं आप गुजरात में, मैं जॉब करता हूँ सर, किस चीज की? सेल्स मैं एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर में पिगमेंट में एंड मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चर। ठीक है। और आपने मेरे को बताया कि आपका SINP में आपकी प्रोफाइल लग चुकी है, और मतलब उसके लगने के बाद आपका सक्सेस भी आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ लोगों को कि SINP, लोग पूछते हैं कि SINP में मैंने किया क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है पॉइंट सिस्टम? हाँ यस सर, मैं इसको कैलकुलेट बहुत बार कर चुका हूँ सर। आपका, अच्छा, बहुत बात कर चुके हैं। सर आप मेरे को थोड़ा सा बताएं कि आपके पॉइंट्स इतने जल्दी और इतने अच्छे क्यों, कैसे बन गए, कैसे बन गए, बताएं कितने पॉइंट्स आपके यहाँ पर है एजुकेशन में, कितने पॉइंट्स हैं आपके, कितने थे? मास्टर, एजुकेशन के वो 0.23 थे, मैंने मास्टर किया है सर। गुड, मास्टर कर रखी है आपने। और एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है, 5, लास्ट 5 ईयर्स? राइट नाउ 10 इयर्स के आसपास है सर, मुझे टेन ईयर्स के अबोव। तो आपके पॉइंट्स बन गए ऊपर से 23 प्लस 10 33, ठीक है। और भी पीछे ये 10 साल वाले भी थे और कि ये बस ऊपर है? नहीं, नीचे भी थे ना सर, 10 साल के भी नीचे थे, टोटल अच्छा दस अच्छा अच्छा टेन तो ईयर्स क्या टोटल टोटल कितना कितना एक्सपीरियंस है आपका? 10 ईयर्स का अबोव है सर राइट नाउ। हाँ, तो टोटल आपके पॉइंट्स कितने बने, 23 प्लस 15? यस जोड़ते रहो उसको, कितने बने भाई, 23 प्लस 15 कितने बने, व्हाट इज दैट, 38? 38, यस। 38, ओके। और लैंग्वेज में कितने मिले आपको? लैंग्वेज में सर आई थिंक मेरा CLB वो 5.5 बैंड के आसपास था मेरे ख्याल से, और फर्स्ट में और सेकंड में 5 बैंड थे मेरे। तो कितने पॉइंट्स लिए आप, स्क्रीन पे बताओ कितने पॉइंट्स आपने क्लेम करे? क्लेम तो सर एक्चुअली मैं CLB मेरे ख्याल से अराउंड 16 के आसपास होगा सर, 16 या 18 के आसपास, ओके, 16 जोड़ो कितने बन गए, टोटल पॉइंट्स कितने, कहाँ तक पहुंचे? 16 53 सर। 53। और 53 प्लस एज कितनी है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर मेरा 32 है सर, 33 राइट नाउ। तो 53, 53 पहुंच गए ना, 53 प्लस 12 कितने हो गए, 65, 53 यस सर। 65। और आगे यहाँ पर कनेक्शन ही भी कुछ पॉइंट्स मिले यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं है। नहीं, कनेक्शन नहीं है मेरा कुछ उधर। और कोई यहाँ पर है फैमिली रिलेटिव? नहीं, कोई नहीं, मेरे फ्रेंड्स ओके है, क्लोज ओके, फ्रेंड है सो सर। टोटल पॉइंट्स आपके कितने बने, टोटल पॉइंट्स कितने आए थे आपके, टोटल सर 60? अराउंड 62 या 60 के आसपास था उस टाइम आई या थिंक। लुकिंग लाइक टू बी बिटवीन 62 एंड 63, पॉसिबल अराउंड 63 से नीचे ही है। तो हाँ 63 आपके ये थे। और आपको जो नॉमिनेशन आई है, जो SINP नॉमिनेशन आई है, वो किस बेस पे नॉमिनेशन उन्होंने दी है आपको? सर, जो ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट में था वो जब 0124 का, तब हाँ, मेरा फाइल रात को मैंने पुट किया था आई थिंक 2017 में। दैट्स राइट। सो ऑक्यूपेशन ऑफ डिमांड थोड़ा देख लें, ये क्या है ऑक्यूपेशन ऑफ डिमांड, क्या है कि मिनिमम 60 पॉइंट्स, तो आपके 60 से ऊपर तो टच कर रहे हैं, सिक्सटी मेरे हाँ ख्याल से। और आपकी जो CLB वो भी है, और ये सब तो चल ठीक है, एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब ठीक है, SINP वो सब ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड डिमांड बाकी सब ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड डिमांड में कौन कौन सी ऑक्यूपेशन, ये देख लेते हैं एक्चुअली, जस्ट गो थ्रू, सर, और भी कुछ है रिसेंटली आई थिंक चेंजेस हुआ है राइट नाउ, क्या है? रिसेंटली ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट चेंज हुआ है, यस दिस वन आप मैं यहाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं आपको वो ऑक्यूपेशन डिमांड को मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन आजकल जो है। आई वॉन्ट टू ओपन द PDF, देयर मस्ट बी अ PDF ऑन इट, हाय जस्ट यस आई थिंक मैं हैव मिस्ड इट। ये वाले पे दिखते हैं शायद, ऑक्यूपेशन दिख जाती है। और आपकी ऑक्यूपेशन क्या आपने बोला, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है आप, क्या हो? सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, उसमें सब कुछ आ जाता है सर। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। Where is the occupation and demand? I can't find it here. No, that's not the. Where is the occupation and demand? कहाँ की occupation demand? इसमें
अच्छा दे आर एक्सक्लूडिंग समथिंग एंड देन सेइंग लुक इसके अलावा वो है आई थिंक सर मेरे ख्याल से सस्केचुअन में मेरे ख्याल से इलेक्शन होंगे तो हटा दिया होगा उन लोगों ने वहां से कुछ राइट नाउ आई डोंट नो क्या हटा दिया एनीवे आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट फर्स्ट एंड देन सी के भी इसमें से ऐसा तो नहीं कि इसके अलावा सारी ऑक्यूपेशन डिमांड है ऐसा तो नहीं व्हिच आई कांट फाइंड आई एम सॉरी दैट्स अ लिटिल रिसेंटली अपडेट हुआ है उनका पीडीएफ मैंने देखा था रिसेंटली हुआ है मेरे ख्याल से recently updated so let's take a look at people with the following occupations excluded occupation dependent is occupation are not eligible okay and that's fine so definitely ye sab to usme bahut logon ke paas hoga bhi nahi to isme to nahi hai advertising sales wala to usme nahi hai so I'm pretty much sure kya code kya tha aapka code number kya tha 0124 so definitely 0124 is not here so that's pretty much okay. Otherwise, there's no occupation demand. I'm surprised they don't have it separately listed out occupation demand. It's possible ke exclude karke unhone keh diya hai ke this women are still qualified. Okay, but otherwise there's not a separate list, and I can't see it. Maybe it's hidden somewhere, but I can't see it. Chalo, anyway, to aap badhai ke patr ho waise to aur. Occupation demand report to say education demand must fall in. Okay, that's fine. Right now, so pretty much, I think that's what trying to do. They have excluded something, and rest of them might be in demand. So, आपका nomination profile डालने के कितने दिन बाद आया? प्रोफाइल डालने के बाद सर इट इज आई थिंक ये मेरे ख्याल से 2 years लेट आया मेरे ख्याल से उन लोगों को डॉक्यूमेंट टू इयर्स लेट आया मेरे पास क्योंकि उन लोगों को डॉक्यूमेंट में कुछ ज्यादा क्वेरी था तो मुझे वो सब पेपर का क्लेरिफिकेशन देते देते बहुत टाइम लग गया और उनको कन्विंस करने में भी आपने प्रोफाइल एसएमबी की प्रोफाइल कब बनाई थी कितने साल पहले 2 साल पहले हाँ 2017 में आई थिंक सर 2017 में बनाई थी और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगते गए वो आपसे के मतलब क्या क्या उनको डाउट रहा उन्होंने पे स्लिप डिमांड किया आपका प्रोफाइल क्या है उसमें जो जॉब नेचर है उसमें आप क्या क्या करते हो कैसे कस्टमर को अप्रोच करते हो आपका अच्छा। पोर्टफोलियो क्या है एडवर्टाइजमेंट का पोर्टफोलियो क्या है आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बनाते हो स्टेटिस्टिक क्या है आपका कॉम्पिटिटर क्या है वो सबका पूरा प्रोफाइल बना के हम मतलब के उन्होंने अपनी बिल्कुल ठोक बजा के पता कर लिया कि वाकई आप काम कर रहा हो ऐसा नहीं है कि भी वो खाना पूर्ति कर दी किसी ने कागज पे लिख दिया कि कुछ कर लो कई बार लोग मेरे को ऐसे कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है आप बताओ कि हम क्या लिखवा लें कोई कहता है दुकान से लिखवा लेते हैं छोटे से किसी अंकल जी से लिखवा लेते हैं तो बात जमती नहीं है मतलब कि प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं कि वाकई ये है कि नहीं है तो सर वो मेरा पीएफ का लास्ट 10 ईयर का स्टेटमेंट भी डिमांड किया था ओए ओए क्या बात है वो सब देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है कहाँ से हो रहा है सारा तो ये जो नॉमिनेशन आया आपका पिछले महीने सितंबर में आया आपका यस ठीक है अच्छी बात है बहुत बहुत आपको बधाई हो इस चीज के लिए और आप ये बताएं कि 2 साल से तो आप इसमें लाइन में लगे थे आपने शादी का प्लान कब बनाया शादी कब सर अभी जस्ट अभी वी आर थिंक अबाउट दैट दिस मैटर अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ा उस मैटर में तो हम लोग हाँ यस यस तो सोच भी रहा हूँ तो कैसे कैसे इन बिटवीन में काम हो जाए कि बाद में आपका मैं बहुत सारा स्पाउस का वीडियो भी देख रहा हूँ फिर बाद में मैं इन बिटवीन में प्रोसेस करूँ कि फिर बाद में करूँ मैं वो क्वेश्चन उसी के बारे में बात करते हैं उसी पे आ रहे हैं धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं शादी तो आप जब भी करें आपकी मर्जी है क्योंकि आपकी एक्सप्रेस एंट्री में आपके 600 पॉइंट जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल और आप आपका वहां से ड्रॉ भी आ गया है आईटीए भी आ गया और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा भी कर दिए करेक्ट ये डॉक्यूमेंट्स आपने कब जमा करें कितने दिन हो गए सर मैंने जनवरी में किए थे ये डॉक्यूमेंट जनवरी ऑफ मतलब 9-10 महीने हो गए 2020 तो अभी मैं वही
थोड़ा प्रॉब्लम है कि क्या करूँ अभी, इन बिटवीन फाइल को प्रोसेस करके होल्ड करूँ, आईसीआर सीसीआर को ट्वीट करके बताओ कि हमें इस प्रॉब्लम में क्या कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा। वो उसके बारे में बात कर दे, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, ट्वीट करने में वो जो मीडिया वाले अलग हैं और जो जो प्रोग्राम के डिसीजन लेते हैं वो अलग हैं, तो ट्वीट करने से उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। जो एक सही तरीका जो आपने भी बताया, मैं कंफर्म कर दूं उसको, कि जो भी कोई अपडेट होता है आपकी फैमिली में, जैसे फैमिली मेंबर जुड़ रहा है, तो उसका तो एक फॉर्म बना हुआ है, IRCC वेब फॉर्म होता है, उसको आप गूगल पर टाइप कर लेंगे आ जाएगा। तो फॉर्म में अगर आप अपना नाम और फाइल नंबर डाल के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे शादी आपकी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट है, उसका नाम वगैरह सारा ऐड कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे वो लोग, आपको एक अलग से एक कंफर्म करेंगे, अलग से आपको ईमेल भेजेंगे कि ठीक है जी आपने वो फैमिली मेम्बर जुड़ गया है, तो आप अलग से उनसे वाइफ से फॉर्म भरवाएंगे, वो फॉर्म भरेंगे, जैसे 008 भरना पड़ेगा फॉर श्योर, 5645 फैमिली इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, 56669 बैकग्राउंड डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा, और उसकी जो इनएडमिसिबिलिटी के जो चेक होता है उसमें वो देख लेते हैं कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सारे काम करने पड़ेंगे। जो एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है कि उसको अभी ऐड करें, अभी शादी करें या PR लेने के बाद करें, तो उसके बारे में जो हमारा ख्याल है कि वो है कि अभी आप कर लें ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि बाद में करेंगे, बाद में PR होने के बाद स्पॉन्सर करेंगे, डैट में टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके, एक और जो इसमें जो सेंसिटिव पहलू ये है कि अगर आप 2 साल से लाइन में थे और उसके बाद आपको फिर ये नॉमिनेशन आया और PR के लिए जा रहे हैं, और अभी जब उनका जो एक मोर और लेस डिसीजन हो चुका है कि आपको PR दें, और अभी आपकी शादी की बात चल रही है, इसको मैं देखता हूँ बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है, जो लाल निशान होता है ना, लाल बत्ती का निशान आ गया आपकी फाइल में। आई एम प्रीटी मच श्योर के जो लोग और सुन रहे हैं मेरी बात को, और जो इमिग्रेशन लॉयर्स भी देख रहे हैं और कंसल्ट देख रहे हैं, वो भी इसको एग्री करेंगे कि यहाँ पर लड़के का वीजा तैयार है, वहीं पर रिश्ता आ गया, तो इसमें कोई ना कोई लोचा हो सकता है। लोचा इसमें हो सकता है कि जिस लड़की ने आपसे रिश्ता करना है तो उसके बारे में शक करेंगे भाई, कि ऐसा तो नहीं कि आप शादी कर रहे हो वीजा लेने के लिए। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो आपकी मैरिटल हिस्ट्री, आपकी जो एंगेजमेंट है, पुरानी जो रिलेशनशिप हिस्ट्री है, कैसे आप मिले, क्यों मिले, क्या मिले, क्या चैट हिस्ट्री है, या व्हाट्सएप, या आपने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, जो भी एक रिलेशनशिप स्टोरी होती है उस पर जरूर गौर करने वाली बात है कि भाई ये रिश्ता हुआ क्या, क्या होना हो ये रिश्ता शायद कनाडा के चक्कर में हुआ हो, और रेगुलेशन 4 में जो बोनाफाइड होता है, जो एक क्लॉज होता है रेगुलेशंस में हमारे, तो उसको चेक कर दें कि वाकई ये मैरिज सो कॉल्ड जेन्युइन है कि नहीं है, इंटेंशन क्या है इसकी, तो वो जरूर चेक करेंगे। तो उसके लिए अगर आपका रिश्ता अभी अभी तो हुआ नहीं है, नहीं रिश्ता नहीं हुआ, तो मेरी आपको हिदायत ये है कि आप शादी, अगर रिश्ता हो रहा है जल्दी से जल्दी हो रहा है, तो आप इसके सारे डॉक्यूमेंट जरूर मेंटेन करें। डॉक्यूमेंट्स मतलब कि अगर आपने रिश्ता, जैसे कहीं अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया है, या आप क्लासिफाइड एड से कर रहे हो, या अरेंज मैरिज से कर रहे हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट जरूर संभाल के रखें कि कौन करा रहा है, पहली मीटिंग में क्या हुआ, दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, एंड टेक फोटोज। पहली मीटिंग होती है तो उसमें कम से कम 100 फोटोज तब ले लो, दूसरी मीटिंग होती है 150 फोटो फिर ले लो, फोटोज जितनी जितनी आप लेते जाओगे उतना सही रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप 1000 फोटो भी ले लोगे तो भी कोई ज्यादा नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, क्या कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमें उसको बोनाफाइड चेक करना है ना कि भाई कौन 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 आए, उसके घर वाले में कौन कौन आए, आपके घर वाले में कौन कौन आए, क्या चाय कॉफी पी रहे हो, फिर आपकी बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है हस्बैंड वाइफ के, हमें जो पोटेंशियल फैंसी एंड फैंसी के बीच में जो क्या डिस्कशन हो रहा है, उसका भी एक थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखो कि हमारे हम शादी क्यों कर रहे हैं, हमारे क्या आगे फैमिली के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या करना है, हमें प्रोफेशन क्या है, कपल जो एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, यू नो, वो सब इसका डॉक्यूमेंटेशन करो। एंगेजमेंट की जब होता है तो एंगेजमेंट की फोटोज लो, तो ये सारा डॉक्यूमेंट करते रहो शादी तक, और शादी की जो सेरेमनी होगी जहाँ मंदिर में होगी, अगर जहाँ कहीं भी होती है, तो उसकी आपको फोटोज लो, उसके जो आपके जो हवन कुंड में जो फेरे वगैरह होते हैं, सो मेक वेरी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन पहले दिन से, जहां से रिश्ता हो रहा है लास्ट स्टेज, और शादी के बाद लड़की ससुराल रहेगी, तो उसके बारे में जो है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लो सारे करो कि वो कैसे घर वालों के साथ फोटो होनी चाहिए, सारे जो सेरेमनीज होती है, अगर हनीमून जाना है तो हनीमून की फोटोज आपके पास होनी चाहिए, ये सब करो। फिर ज्वाइंट बैंक अकाउंट अगर जरूर खोलो आप, एक हस्बैंड वाइफ का अकाउंट खोलना होना चाहिए। फिर आपके जो पासपोर्ट के, उसके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे हस्बैंड का नाम हो, आपके पासपोर्ट पे वाइफ का नाम हो,
और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी सरकारी ये कार्ड वार्ड हैं सारे, इस पे हस्बैंड वाइफ के नामों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से करना, मतलब पहले दिन से करना शुरू कर दो, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उनको इन्वेस्टिगेट करना हो तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। और आप मान के चले कि ये सारे करते करते, अभी शादी तो हुई नहीं है, शादी होने तक करते ये सारा काम 4-5 महीने आगे खिंच जाएगा, सो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाएंगे, सो व्हाट्स द बिग डील। ओके, और सर इससे एक क्वेश्चन है, अगर इन बिट मुझे मेडिकल आ जाता है तो फिर मैं क्या उसको होल्ड करूं कि क्या करूं फिर उसको? हाँ, उसको होल्ड कर सकते हो, अब करा लो, लेकिन मेडिकल तो आपका 12 महीने तो वैलिड रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि शादी कब हो रही है, शादी का रिश्ता तय हो गया अभी के अभी देख रहे हो अभी? नहीं देख रहा हूँ सर मैं अभी। अच्छा, तो कब तक लग रहा है कि कब तक होने का चांस है? अभी सर 2-3 महीने तो अभी पहले जज करना पड़ेगा सब, शादी ब्याह का मामला है। तो अगर अगर होल्ड अगर मेडिकल को होल्ड करा सकते तो करा लो, क्योंकि मेडिकल क्योंकि फिर वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्या है कि शादी कब होती है और शादी के बाद सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो हम बोल रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कब तैयार हो के आप बिल्कुल सही आप दुरुस्त हो जाओगे कि ठीक है इसके आगे और कोई डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए नहीं है। जैसे ही शादी होती है मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो इमीडिएटली अपडेट कर दो कि शादी हमारी हो गई है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, ये उसका नाम है, क्योंकि वो अपने हरकत में आ जाएंगे। डैट मीन्स कि अगर हो सकता है 1-2 महीने तक आपको ईमेल भेजें कि ये डॉक्यूमेंट करो तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होंगे, देयर इज नो वेटिंग टाइम। जब वो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स दो तो सारे फॉर्म भरने और सारे प्रूफ ऑफ, इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स में 5532 फॉर्म भी भर सकते हो आप, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपलोड होंगे। उसके बाद वो कितना टाइम लेते हैं, आई एम होपिंग के नॉट मोर देन 3-4 मंथ्स, तो टिल द टाइम योर मेडिकल्स विल बी वैलिड। ऐसा ना हो कि पूरा 1 साल खिंच जाए और आपका मेडिकल एक्सपायर कर जाए, तो ये इसलिए थोड़ा खर्चा ना हो जाए दोबारा। तो इट इज द बेस्ट वे फॉर द इन बिफोर द पीआर वी आर गेटिंग टू मैरिड। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि वाइफ आपके साथ जाए, तो वाइफ को आपके साथ जाना चाहिए, लेकिन वो है कि उसका जो असेसमेंट है उसका असेसमेंट में कितना टाइम लगता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन एंड फैक्ट्स। अगर देखो, अगर उल्टी तरफ इसकी तरह अगर ऑपोजिट इसका हम सिनेरियो अगर डिस्कस करें, सपोज कि आपने शादी कर ली, अरेंज मैरिज है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और बहुत जल्दी शादी हुई है, जैसे पीआर आपका आने वाला है और जल्दी आपने शादी कर ली है, और उसके बाद इमीडिएटली मतलब उसके बाद कोई आपके पास कोहैबिटेशन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे हो जाएगी। मतलब आपको तो ठीक है, लेकिन उसके उसके बेस पे आपकी होल्ड पे हो जाएगी कि भाई ये पता करो कि आपकी वाइफ का जो इंटेंशन है वो मैरिज का कैसे है, क्योंकि आपके बेस पे तो उसे उसे पीआर मिल रहा है बैठे बैठा है, पीआर मिल रहा है बेस्ड ऑन योर स्किल, तो वो आई थिंक यू आर अ हॉट कमोडिटी, आपके तो हॉट प्रॉपर्टी हो, आपके तो पूरे गुजरात भर से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे एकदम से, जब उन्हें पता लगेगा कि बंदा पीआर जा रहा है, मुझे लगता है कि आपके तो घर के सामने लाइन लग जाएगी शायद। तो इसलिए ऑफ कोर्स दे वांट टू इंश्योर के यू नो योर बोना फाइड्स ऑफ द मैरिज आर प्रूवन। ओके ओके सर, यस डेफिनेटली सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एडवाइस, इसके लिए बहुत खूब खूब धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको। बोले सर, आप जो भी कर रहे हैं नेक काम, बहुत सारे वीडियो लोग देख रहे हैं पूरे गुजरात में, पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे कि आपने जो कंसल्टेंसी फीस जो रॉन्ग साइड में सब लोग जा रहे हैं कभी दूसरी जगह पे, तो उससे बच जाते और उनका नेक काम हो जाता है। आपका ये जो नेक काम के लिए आपको खूब खूब सलाम और सल्यूट है सर उसके लिए। आपका आपका आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और आपका जो क्लाइंट्स रहते हैं उनकी उनकी ब्लेसिंग है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। बाकी अहमदाबाद में आया था आज से करीब 2.5 साल 3 साल पहले, तो मेरे को याद है कि वहाँ पर वो एक पतंग उड़ाने का फेस्टिवल चल रहा था उस वक्त, फेस्टिवल वो सितंबर में बोलते हैं, और मैंने काफी वहाँ का, हाँ जी, काफी वहाँ पर खाना बड़ा एंजॉय किया, वहाँ पर एक बन मस्का उन्होंने खिला खिला के मेरा पेट इतना भर गया मेरा बन मस्का और फाफड़ा खा के, तो आई ऑलवेज एंजॉय द गुजराती हॉस्पिटैलिटी एंड गुजराती पीपल। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स इन वीडियो, गुजराती पीपल आर स्पेशली वेरी सक्सेसफुल इन कैनेडा एंड अमेरिका, क्योंकि गुजराती लोगों को नंबर वन पैसा कैसे कैसे मैनेज करना है बहुत अच्छी तरह आता है, बिजनेस कैसे करना है मैंने गुजरातियों से सीखा है, एक्चुअली गुजराती लोगों से सीखा है, और फाइनेंशियल प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग मैंने गुजराती लोगों से सीखा है एक्चुअली, सो आई ऑलवेज एडमायर दीज क्वालिटीज इन गुजराती कम्युनिटी। सर कभी क्या मेहनत करने में पीछे नहीं रहते सर, absolutely. This is salute to the Gujarati community and the business, the skills they have. मैंने बताया ना आपको कि
कैसे अपने प्रोफेशन को और फाइनेंसेस और बिजनेस को कैसे मैनेज करना है. आई हैव नॉट सीन एनी अदर कम्युनिटी मोर प्रोफाउंड देन गुजराती कम्युनिटी, ये कैसे करना है. और मेरे कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं जो अभी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं उनके बारे में, उनके उनको मैं बता रहा हूँ, उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो थैंक यू वेरी मच हेमन, और आपसे आपसे जरूर जल्दी ही मुलाकात होगी. हाँ जी बताएं. सर एक क्वेश्चन है मेरा, 12,000 से मैंने बैलेंस मेंटेन रखा है ओके, एज पर, तो उसको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे। इंक्रीज करना पड़ेगा. जो आप गूगल पे जाएं, IRCC लाइकोन आई टाइप आई प्लेस. अंडरस्टैंड, मैंने वो देखा है 2% 3% का पूरा ग्राफ हाँ, है, तो तो मैं जो अभी से हाँ, तो आपको उसको इंक्रीज इंक्रीज कर दूँ। बिल्कुल इंक्रीज करना पड़ेगा. और जब आप फॉर्म्स आपको अपडेट करोगे, जब जब भी उनका वो आएगा, तब तो वो दोबारा से उनको सेटलमेंट फंड्स में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. अभी से इंक्रीज कर दो तो बेटर ओके ओके सर, है. ओके सर, थैंक यू ठीक वेरी मच फॉर है, थैंक यू, योर थैंक कॉम्प्लीमेंट्री एंड एडवाइस। यू. थैंक्स अ जय लॉट। श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण सर।